My recharge morning. Respected MD, top leadership, all royalty achievers, all distributor, and आज जो साथी ने हम लोग ये प्रोग्राम में आए हैं, मैं सबको नमन करता हूँ, वेलकम करता हूँ. विश्वनाथ कहते हैं कि दुनिया में एक चीज देखिए, जो चल रहा है उसके साथ चलते रहेंगे तो नया कुछ सीखने नहीं मिलेगा. आज आप जाएंगे बार में तो आप लोग वो लोग क्या देते हैं, कॉकटेल. कॉकटेल कैसे, किसको कहते हैं कॉकटेल, सुना है कॉकटेल कैसे बनता है? हाँ सर, डीजे सुनते हैं ना, ऐसे म्यूजिक सुनने अच्छा नहीं लगता है. लोग आजकल क्या सुनते हैं, डीजे सुनते हैं. डीजे में क्या है, थोड़ा बहुत मिक्स कर देते हैं, यस और नो. तो विश्वनाथ सिंह जी कितना सुंदर से बता रहे हैं, उसके अंदर में बांग्ला है, हिंदी है, इंग्लिश है. अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है लोगों को? देखो ये माइंड सेटअप है, बोले क्या बेकार हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने नहीं आता है, स्टेज में चढ़ गया आता है ना. तो ट्रेडिशनल सिस्टम का बात करते हैं, उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है. ये अलग से सोच सकते हैं, वाह ये विश्वनाथ सिंह, उसको हिंदी बोलने नहीं आता है और वो भी डायरेक्टर है, लाखों कमाता है. रतन परिया को अच्छा हिंदी बोलने नहीं आता है, फिर भी माय रिचार्ज में क्राउन है, 15-20 लाख इनकम हो जाता है. ऐसे होता है ना, तो वही है, वही सेटअप लेके आना है. जो चल रहा है, जो चल रहा है उसका साथ चलेंगे कामयाब नहीं होगा. कोई कॉमन वर्क करेंगे, कॉमन वर्क करके कोई अनकॉमन इंसान नहीं बन सकता है. आपका आजू बाजू में जो लोग सक्सेस है, उन लोगों का सक्सेस से आप लोग कितना खुश, कितना लोग हैं जो खुश होते हैं. आपका बाजू में एक इंसान है जिनका पास 10 साल पहले कोई पैसा नहीं था, झोपड़ी में रहते थे, किराए का घर में रहते थे, रेंट हाउस में रहते थे, लेकिन आज कोई कारण से उनका पास अपना एक अच्छा मकान हो गया, 4-व्हीलर आ गया, उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, उनका लाइफस्टाइल बदल गया. ऐसे होता है ना हमारे बीच बीच में, हमारा समाज में भी होता है ना, हमारा सोसाइटी में होता है ना. कितना जन का, कितना सोसाइटी, किसका सोसाइटी में होता है, थोड़ा सा हाथ दिलाइए ना. जैसे सर मैं देखा हूँ, मेरा रिलेटिव ऐसे है, मेरा पड़ोस ऐसे 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 सक्सेस में चला गया. कितना जन है, कितना जन देखे हैं, और कितना जन देखने के बाद आप लोग खुश हो गया, कितना सर वो सक्सेस हो गया इसलिए मैं खुश हूँ. कितना जन ऐसे खुश होते हैं, जब वो सक्सेस हुआ मतलब मैं भी सक्सेस हो सकता हूँ, ऐसे कितना जन को महसूस होता है. कितना जन दुखी हो जाता है, देखो उनका क्या नसीब, देखो उनका क्या गुड लक, देखो कितना जन खुश दुखी हो जाते हैं. कितना जन, कितना जन, हम लोग सभी दुखी होते हैं. हम लोग दूसरे को सक्सेस देखने के बाद हम लोग कोई खुश नहीं होते हैं सर, होते हैं क्या? हेलो, होते हैं क्या? नहीं है. तो हम लोग ये जो आज गैलिप में बैठा है, गैलिप इंस्टीट्यूट में बैठा है, सेमिनार में आया है, क्यों है? हम लोग खास इंसान है, हम लोग सक्सेसफुल इंसान है, इसीलिए बैठा है, इसीलिए बैठा है. हेलो, बैठा है इसीलिए नहीं. सक्सेसफुल इंसान, खास इंसान होता तो ये सेमिनार में आने की जरूरत नहीं था. हम लोग कोई दूसरा काम करते होता, करा होता. ये सर नो, हेलो समझ में आया? तो हम लोग इसीलिए दुखी है कि हम लोग क्यों खास नहीं है, हम लोग इसीलिए दुखी है, हम लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं है, हम लोग इसीलिए दुखी है, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, हमारा, हम लोग का दुख इसलिए है, हमारा पास क्यों लाइफस्टाइल नहीं है. यस और नो? ये भी आपका प्रॉब्लम नहीं है क्या? प्रॉब्लम है, रेस्पॉन्स करो ना सर. रेस्पॉन्स नहीं करने से मैं कैसे बताएंगे प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है. दो तरह लोग होता है, एक सक्सेसफुल है, एक अनसक्सेसफुल है, एक आम इंसान है, एक ऑर्डिनरी इंसान है, खास इंसान है. समझ में आया? हेलो, यस और नो? वजह क्या है, रीजन क्या है? लोग ढूंढते रहा, ढूंढते रहा, ढूंढते रहा, ढूंढते रहा. एक छोटा सा कहानी है, ये साउथ अफ्रीका कहानी है, साउथ अफ्रीका का कहानी है. साउथ अफ्रीका का एक कोना में एक पार्क था, पार्क में
देख रहा था, जो गुब्बारा वाले होता है ना, जो बैलून गुब्बारे वाले, वो पार्क में एक कोना में और गुब्बारा में हवा देके बैलून बना रहे हैं। बहुत लोग आ रहे हैं, उनका छोटा छोटा प्यारा प्यारा बच्चा के साथ आ रहे हैं, आके वो गुब्बारा दे रहा है और वो बैलून जो है गुब्बारा में, जो बैलून है वो ऊपर में छोड़ रहा है, ऊपर में उठ रहा है। तो एक उसका जो शरीर का रंग था काला, ब्लैकिश, एक इंसान डरे हुए वो गुब्बारा वाला के पास आते हैं। वो अभी तक जो देखा है, कोई सफेद बैलून, कोई लाल बैलून, कोई हरा बैलून, कोई येलो बैलून, वो आसमान में वो लोग छोड़ रहा था, एक भी काला बैलून को नहीं देखा। वो डरे हुए वो छोटा लड़का वो गुब्बारा वाले को पूछता है, अच्छा मैं बहुत टाइम से देख रहा था आसमान में इतना सा कलर का बैलून उड़ता है, अच्छा काला बैलून भी आसमान में उड़ सकता है क्या? जो गुब्बारा वाला वो बताते हैं, जे बेटा बैलून जब आसमान में उड़ता है, बैलून का कलर कोई मायने नहीं रखता है, बैलून का अंदर में जो हवा भरा जाता है वही बैलून को ऊपर में लेके जाता है। बैलून दो प्रकार का होता है, ये ऐसे आपका हाथ में भी एक बैलून देंगे, आप मुंह से हवा भर के वो बैलून को बड़ा कर देंगे, वो बैलून लेकिन ऊपर में नहीं जाता है, यस और नो? और कुछ बैलून का अंदर में जो हवा भरता है वो हवा होता है नेचुरली हीलियम गैस। हीलियम गैस का खासियत क्या है? हीलियम गैस ऐसे ऑर्डिनरी हवा से हल्का होता है, कोई भी कलर का बैलून का अंदर में हीलियम गैस भरने से वो ऊपर में जाता है। हम लोग जो इधर में बैठे हैं, हमारा अंदर में, हमारा मन में भी एक, सोचो एक बैलून है, उसका अंदर में कौन गैस हम लोग डाल के रखा है? ऐसे मुंह से जो गैस होता है, हवा जो है ऑर्डिनरी हवा है, वो हम लोग डाल के रखा है, इसलिए हम लोग इधर में बैठा है। हेलो, आपका बाजू में जो लोग कामयाब है, सक्सेस है, उसका पास जाके पूछो, वो उनका मन का बैलून का अंदर में हीलियम गैस डाला है। समझ में आया? यस और नो? तो आप दिल्ली में जाने का टाइम कोई दुकान में चला जाइए, कहाँ पे ऐसे हीलियम गैस मिलता है? क्यों क्यों? वो भी खरीद के लेके जाना है, आपका मन का अंदर में हीलियम गैस डालना है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हवा में उड़ेंगे। लेकिन आपका मन का अंदर में ऐसे कोई गैस डालने का सिस्टम है नहीं। वो क्या गैस डालने के बाद आप कामयाब बन सकते हैं? वो गैस का नाम है एटीट्यूड। एटीट्यूड इंग्लिश शब्द है, उसको हिंदी में कहेंगे तो क्या है? रब्बेया। बांग्ला में कहेंगे तो मनभाव। आपका भावना क्या है? क्या भावना है? आप जो परिस्थिति में गुजर रहे, जैसे जिंदगी जी रहा है, ऐसे जिंदगी जीना चाहते हैं क्या? पसंद है तो आम आदमी बन के जिंदगी भर जिएंगे, पसंद नहीं है कि मैं जैसे जिंदगी जी रहा हूं ये जिंदगी मेरा बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बदलना चाहता हूं। कौन डालेगा डिसीजन? कौन लेगा एटीट्यूड? कौन डालेगा? अशोक कुल्हरी जी डालेगा, विश्वनाथ सिंह जी डालेगा, अभिजीत नंदी जी डालेगा, राजेश जी डालेगा, हमीर सिंह जी डालेगा? नहीं, किसको डालना है? किसको डालना है? कौन कौन डालेगा? जे ना जो परिस्थिति में गुजर रहा हूं उसको चेंज करना है, चेंज करना है, मैं ही करूंगा। समझ में आ रहा है? अरे ये लोग कौन करता है पता है? जिंदगी करवाते हैं। मेरा आपका जिंदगी, जो जिसका जिंदगी का साथ तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, वही प्रॉब्लम का सामने झुक जाएगा, सरेंडर करेगा, तो जिंदगी भर आम इंसान बनकर रहेगा। जो प्रॉब्लम को चैलेंज करेगा वो खास बन जाएगा। मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे बारे में भी दो शब्द कहना चाहिए। कितना जन मुझे पहले सुन रहा है, पहली बार सुन रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना, मैं डांस किया,
इतना अच्छा सा ड्रेस पहन लिया, अच्छा लग रहा है ना? हेलो, यस और नो? मैं जब बताता हूँ जब मैं इतना अच्छा इनकम करता हूँ तो अच्छा लगता है ना? लेकिन मेरा जिंदगी का शुरुआत ऐसे नहीं था। मेरा अपना जो जन्म है बंगाल में है, बंगाल में कोलकाता जो है वो कैपिटल है, लेकिन बंगाल में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है। मैं भी एक डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट मिदनापुर में मेरा जन्म है। बंगाल में डिस्ट्रिक्ट में भी एक गांव है, ऐसे भी मेरा एक गांव है जो गांव में लास्ट ईयर में बिजली पहुंचाया, मिट्टी का घर है, ऐसे एक परिवार में जन्म लिया था। 6 साल तक ठीक ठाक था क्योंकि पिताजी का बिजनेस चल रहा था, पिताजी अर्निंग मैन था, उससे इनकम मिलता था। 6 साल का टाइम पे पिताजी का लिवर कैंसर से पिताजी का डेथ हो गया। हमारा घर में जो सोर्स ऑफ इनकम जीरो हो गया 6 साल का उम्र में, 6 साल का उम्र में। तो जो होता है, जो परिवार में सोर्स ऑफ इनकम जीरो हो जाता है उसका घर में कितना सुख, कितना शांति, कितना खुशियाँ आता है, यस और नो? होलसेल में आता है, रिटेल में नहीं आता है, यस और नो? आता है ना? आता है कि नहीं आता है? सुन रहा है क्या? आता है नहीं आता है? एक दिन दो दिन नहीं, सालों से साल, हर दिन हर पल हर घंटा हर महीना चलते रहा। उसी टाइम पे जितना भी तकलीफ आता था, जितना भी रिजेक्शन आता था, जितना भी प्रॉब्लम्स आता था, जितना नहीं आता था, ना आता था, मुझे महसूस होता था जे इतना जो हो रहा है ना उसको डबल ट्रिपल में हाँ में बदलना है, मैं बदलूंगा, मैं करूंगा। बचपना में ऐसे एक एटीट्यूड बन गया था, ये जो ना, ये जो चैलेंजेस आ रहा है उसको मुझे ओभार काम करना है, फिनेंशियली मुझे साउंड में लेके जाना है। समझ में आ रहा है? हेलो, ये निर्णय कौन लिया था? मैंने ही लिया था। मैं आज भी देखता हूं जो जो गांव में मेरा जन्म हुआ उधर में भी मेरे पिताजी का जैसे डेथ हो गया था, लेकिन मेरा बहुत सारे दोस्त था जिसका घर में खाना था, उनका पिताजी कुछ करता था, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो कंफर्ट जोन में जी रहा था, वो आज भी वैसे ऐसे कंफर्ट जोन में जी रहा है, आज भी ऐसे 5-10 हजार इनकम में जी रहा है, तकलीफ में जी रहा है, लाइफस्टाइल नहीं मिला है। उसी टाइम पे से मैं निर्णय लिया था। मैं जैसे बताया था ना आपका, कोई प्रॉब्लम, कोई क्राइसिस मुझे हमेशा हमेशा के लिए कोई भी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से मैं अपॉर्चुनिटी में निकलने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं है, मैं कहानी नहीं बताया आपको इंस्पायर करने के लिए, मैं बॉम्बे वाला कोई कहानी नहीं बताया, सचमुच मेरा जिंदगी का साथ जो हुआ था वही मैं बताया। हर चीज में, एक टाइम पे एजुकेशन के बाद जब बिजनेस में आया, मैं हर इंसान का अंदर में मुझे लगता था ये इंसान से मैं क्या सेवा देके, क्या सर्विस देके मैं कुछ इनकम कर सकता हूं। हमेशा हमेशा ये सज हमारा चलता है। आप लोग तो लोगों से बात करते हैं, मैं भी लोगों से बात करता हूं, लेकिन लोगों से जब मैं बात करता हूं मैं हमेशा देखता हूं उसको मैं क्या सेवा दे सकता हूं, इसके अंदर में क्या काम है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं कैसे इनकम कर सकता हूं। ये एटीट्यूड हमारा बचपना, मेरा क्राइसिस मुझे बना दिया, ये बना दिया मुझे, मैं बन गया। मैं जब क्लास 7th में पढ़ाई कर रहा था, 7th क्लास में जब पढ़ाई कर रहा था, हमारा बंगाल में सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है वो होता है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में बंगाल का क्या खासियत है? खासियत ये है, हर घर में, हर परिवार में नया कपड़ा लोग खरीदते हैं, पहनते हैं। समझ में आया? तो मेरा कॉलेज लाइफ तक मेरा मम्मी कभी भी नया कपड़ा नहीं दे पाई। उस स्कूल का जो ब्लू पैंट सादा शर्ट वही मेरा पूजा का स्कूल का एक ही ड्रेस था। आज भी याद है मेरे जिंदगी का जो पहले बिजनेस है वो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इन द ईयर मैं जब क्लास 7th में पढ़ाई कर रहा था उसी टाइम पे मेरा मम्मी दुर्गा पूजा में खुशी मनाने के लिए मुझे 10 रुपया दी थी। 10 रुपया जे बेटा ये 10 रुपया पूजा में एंजॉय करना। 10 रुपये में तो कोई कपड़ा नहीं होता है। कपड़ा होता है? अरे रिस्पॉन्स करो सर, होता है नहीं होता है? मैंने लगाया जे 10 रुपया को मैं कैसे
कैसे इस्तेमाल करूं। दुर्गा पूजा जो होता है सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी ऐसे चार दिन में पूजा बनता है। सप्तमी तिथि का दिन मैंने क्या किया, मेरा बाजू में जो एक गांव होता है वो गांव का एक बंदा के पास आमला, आमला जानते हैं, आमला, आमला का पेड़ था। आमला भी एक फल है, यस और नो? मैं सुबह में 10 रुपया लेके चला गया, बोला आप 10 रुपया का आमला दे दो। सोचो ऐसे हिसाब से देता, उस टाइम पे पैसा का बहुत कीमत था, पैसा बहुत कीमती होती थी। 10 रुपये में सोचो, 10 पैसा में सोचो 6 पीस आमला दिया। सोचो याद नहीं है, मैंने क्या किया उसी हिसाब से आमला खरीद करके लेके आया कहाँ पे, घर में। उसके बाद क्या किया ना, जहाँ पे पूजा होता है, जहाँ पे लोग भीड़ करता है, लोग जब आते हैं, उधर में मैं चला गया। क्या करने के लिए, वो आमला बिक्री करने के लिए मैं बैठ गया। अच्छा आमला इतना कोई खास फल है क्या, वही मिठास फल है क्या, लोग खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। लेकिन मुझे लगता था ये जो आमला मैं लेके जा रहा हूं, मैं क्लास 7 में थोड़ा सा साइंस मुझे भी समझ में आया था, विटामिन सी है, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बहुत बेहतरीन करता है, ये समझ में आया ना। तो वही चीज मैं लेके बैठ गया, और 10 रुपया का जो आमला है, मैं 10 पैसे में 6 मिलता था तो मैं 10 पैसे में 3 बिक्री कर दिया। समझ में आया, मैं जब 10 रुपया का आमला लेके उधर में पहले बार दुकान लगाया, मैं कोई शर्म नहीं था, मुझे लग रहा था मैं बेस्ट काम कर रहा हूँ, अच्छा फल मैं लोगों को दे रहा हूँ। मुझे लग रहा था इतना लोग है, मैं इतना फल लेके आया हूँ, कितना तुरंत सेल हो जाएगा। मैं, मुझे कभी डर नहीं लग रहा था, मैं क्या फल लेके आया, कौन लेगा नहीं लेगा, ऐसे नहीं लग रहा था। मैं जिंदगी की कहानी बोल रहा हूँ सर, जिंदगी की कहानी बोल रहा हूँ। मैं छोटा सा एरिया है, उधर में भी हमारा कुछ स्कूल का सर भी जाता था, सर मैं इधर में दुकान लगाया है, घर के लिए आमला लेके जाइए। दोस्त मिल रहा था, बोला दोस्त मैं अपना दुकान लगाया है, ये आमला घर के लेके जाइए। समझ में आया, छोटा सा बच्चा, इनोसेंट बच्चा, स्कूल का ड्रेस पहन के आमला बेच रहा है, कितना लोग ना जानिए, इनोसेंट में मेरे पास आया, आमला खरीद करके लेके चला गया, मजा मिल गया। 10 रुपया 20 रुपये में बदल गया, विद इन 3 आवर्स बदल दिया। उसके बाद आफ्टरनून में चला गया, फिर आमला लेके आया, फिर सेल किया, 4 दिन में 10 रुपये को मैं 200 रुपये में बदल दिया था। सर मैं वही इंसान खड़ा हूं आपके सामने, वही इंसान आपके सामने खड़ा हूं। योर एटीट्यूड और कुछ नहीं है। जिंदगी में एक चीज बोल रहा हूं दोस्त, कोई आपको आगे नहीं बढ़ा के लेके जाएगा। जो लोग भगवान का नाम पे बैठा है ना, हम लोग सब, हर इंसान, हम लोग जिंदगी बदलना चाहते हैं, 100% बदलना चाहते हैं, लेकिन भगवान के पास जाके हम लोग लिस्ट बना के देते हैं, जब भगवान मुझे ये मिल जाए, 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 तो पूजा चढ़ाएंगे। भगवान कुछ करने वाला नहीं है, काश भगवान भी आपके लिए शायद इंतजार में है। समझ में आया? हाँ, ये जो हकीकत रतन परिया देख रहा है ना, ये रतन परिया पहले से रतन परिया बन गया था, क्योंकि जिंदगी में कुछ करना है, करना है, करना है। उसके बाद कॉलेज लाइफ कंप्लीट होता है, मैं उसी टाइम पे मैं सब कुछ किया, पढ़ाई करते करते ट्यूशन भी करवाया, छोटा छोटा दुकान भी कर लिया, लेकिन मेरा हमेशा क्या था, मेरा हमेशा था मुझे इनकम करना है। ये एटीट्यूड कहां से आया, मेरा क्राइसिस से आया, मेरा रिजेक्शन से आया, मेरा गरीबी से आया। आपका जब तक ये फायदा अंदर में नहीं है, तब तक सुन सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, नहीं करने का इच्छा आएगा। सुन भी लिया तो क्या होगा, भूख नहीं है तो कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट नौकरी में लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कोलकाता में आया, ग्रेजुएशन गवर्नमेंट भी नौकरी मिला था, छोड़ दिया, बिजनेस में आया। कहानी है इन द ईयर 2010, उससे 15 साल पहले मैं अपना गारमेंट्स बिजनेस में एक माइलस्टोन खड़ा किया था, जीरो से एक बिजनेस एक लेवल में चला गया था, क्योंकि जो लेवल का इंसान हूं उसी, मुझे लगता था 2010 में ठीक जगह में था। 50-60 हज़ार इनकम आता था महीना में, बिजनेस कैपिटल बन गया था 70-80 लाख, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। माई रिचार्ज मिल गया, माई रिचार्ज को कैलकुलेशन किया, सिस्टम समझा, वही सिस्टम मुझे समझ में आया जो माई रिचार्ज एक टाइम मल्टीप्लायर सिस्टम, वही सिस्टम मुझे समझ में आया। मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरा पिताजी का मैं काम कर रहा हूँ,
पिताजी का बिजनेस चल रहा था, हम लोग खुशी में जिंदगी जी रहा था, पिताजी का लिवर कैंसर आया, डेथ हो गया, हम लोग इनसिक्योर हो गया था। उसी टाइम पे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में मुझे समझ में आया, मैं निर्णय लिया। माई रिचर्च जब समझ में आ गया, मैं निर्णय ले लिया, मैं गारमेंट्स बिजनेस छोड़ूंगा, माई रिचर्च करूंगा। कोई नहीं मुझे बताया, कोई मुझे इंस्पायर नहीं किया। गांधी जी को कोई इंस्पायर नहीं किया था फ्रीडम दिलाने के लिए, कोई नहीं दिया था। मदर टेरेसा को कोई इंस्पायर नहीं किया था। जिंदगी को बदलने का इंस्पायर आपका अंदर में होना चाहिए। जिसका अंदर में हो जाएगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं है उसको रोके, उसको रोक सकता, उसके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, मैं 2010 में स्टार्ट कर दिया था और आज 2019 मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे सामने कोई भी नहीं था, आज तो आपका सामने बहुत लोग, कितना साथी है जो लोग आज हॉल में आए हैं, नया है जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटर है, नया मतलब नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया आया है, और भी कुछ साथी है जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना आ गया, कितना जन है जो नया आया है, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए ना, अपना जगह में खड़ा हो जाओ ना सर, है ना, खड़ा हो जाओ। आप कितना जन को देख रहे हैं, है ना, आप लोग आए हैं, थैंक यू वेरी मच। आप लोग खुद के लिए एक बार बिग क्लब करो, जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी एक बिग क्लब कर दो। आप लोग आए हैं, आप लोग कितना जन को देखा, एमडी सर को देखा, विश्वनाथ सिंह जी को देखा, अभिजीत नंदी जी को देखा, सब जो लीडर है, राजेश जी को देखा, सबको देखा, सबको देखा, रंजीव जी को देखा, विपिन जी को देखा, सब नीरज जी को देखा, सबको देखा है। लेकिन मैंने जब दिन 2010 में जब स्टार्ट किया था, मेरा सामने कोई नहीं था। क्या था, विजन था, क्या था, फ्यूचर था, क्या था, मैं उसे दिन मैं देख रहा था मेरा ऑल ओवर इंडिया में टीम बनेगा, मुझे कोई नहीं देखा, मैं देख रहा था। देख, ये जो दो आंख है ना, दो आंख का अंदर में एक आंख है, इसका अंदर में एक आंख है, आंख बंद करने से जो दिखता है मुझे देखने मिलता था। मैं उसी दिन रात भर में कैलकुलेशन किया था, उस दिन मेरा सिस्टम में आईडी बन गया था, और उसी दिन था एक बहुत खुशी का दिन हमारा बंगाल के लिए, लक्ष्मी माँ का पूजा का दिन। मेरा टोटल एक्टिवेशन शायद 10:30 बजे 11 बजे में हो गया था, एमडी सर ने करवाया था, उधर मेरे सर्वर बहुत डाउन थी, उसका बीच में हो गया था। तो मैं रात 4 बजे तक मैं कैलकुलेशन कर रहा था, ये मेरे पास कितना करोड़ों पैसा आएगा, इतना पैसा मैं क्या करूं। सचमुच मुझे कोई इंस्पायर नहीं किया। उसी टाइम पे माई रिचार्ज करना बहुत मुश्किल था सर, हमारा रिचार्ज सिस्टम डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, प्रोडक्ट नहीं था, बजा बहुत था, लेकिन मेरा हौसला था, मैं करूंगा। कुछ लोग तो ऐसे आया, बोले सर आपका बेकार सिस्टम है, रिचार्ज वगैरह नहीं होता है, जब सिस्टम ठीक होगा तब आएंगे। चला जाओ, चलते रहा, नया लोगों से मिलते रहा। 16 लाख ऐसे एक छोटा सा टीम खड़ा हो गया, है ना। हमारा इधर में बहुत सारे लीडर है, वो लीडर का बहुत दुख है। बोले सर काम नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले एक ग्रुप का सद मैंने बैठा था, क्या बैठा था, एक ही सवाल होता है, लीडर जब टीम का साथ बैठते हैं, टीम एक ही बात कहते हैं, क्या बोलता है, सर इतना प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कोई काम नहीं कर रहा है। यस और नो, हेलो, ये बात कौन कहता है, वो बात लीडर कहते हैं। क्योंकि लीडर कब बन जाता है, जब शुरुआत में आता है उसको लीडर महसूस नहीं होता है। हमारा कंपनी सिस्टम में जब 3 डायरेक्टर बन जाता है, वो लगता है मैं लीडर हूँ, 4 डायरेक्टर बन गया तो मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ, उनका मन ही मन एक लगता है मैं लीडर हूँ। लीडर होने के बाद उनको लगता है टीम काम करेगा, मैं तो खाली प्रवचन करूंगा, होता है ना, हेलो, समझ में आता है। मेरा काम क्या है, टीम बना लो, टीम बनाने के बाद कंपनी से व्हाट्सएप आता है, मैं भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड करूंगा। कंपनी ऑडियो डाल के इंस्पायर करता है, मैं भी ऑडियो डालूंगा, इंस्पायर करूंगा, आप करो, नहीं करता है, वही प्रॉब्लम है ना। अरे है ना, क्या प्रॉब्लम है, उनको पूछा, आपका तो एक ही प्रॉब्लम है, क्या है, काम नहीं हो रहा है। बोले यस सर, हेलो, हमारा बीच में भी बहुत सारे लीडर है,
जिसका प्रॉब्लम ये है काम नहीं हो रहा है. यस और नो? क्लैपिंग करो सर. वही क्लैपिंग करे जो कहा जिसको कहना है काम नहीं हो रहा है. समझ में आ रहा है? अरे भाई मेरा बात समझ में आ रहा है? मैं जो हिंदी बोल रहा हूं तो समझ में आ रहा है ना? जिसका कहना है काम नहीं हो रहा है भयंकर क्लैपिंग करो खुद के लिए. काम क्लैपिंग करो, भयंकर क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, खड़ा होके क्लैपिंग करो, खड़ा हो जाओ. मुझे देखने दो ना सर, देखने दो ना. क्यों छुपा रहे हैं? हर लीडर का दिल का बात मैं कह रहा हूं, हर लीडर का दिल का बात मैं कह रहा हूं. खड़ा हो जाओ. जो हिम्मत भी होता है सर, सच्चाई को कन्फेस करने के लिए भी हिम्मत होता है. कितना साथी है? खड़ा हो जाओ. और किसके? सबका काम हो रहा है, सब सबका लाखों इनकम आ रहे हैं, सब खुश हैं. तब क्यों नटंकी, क्यों ढोंगी होके हम लोग बैठे हैं? ढोंगी मत बनो. आज तक एक दिन मौका मिलेगा, मैं सीक्रेट बताऊंगा. सुनना चाहूंगे? चाहेंगे क्या? कब मैं बता पाऊंगा? जब आप कन्फेस करेंगे. समझ में आ रहा है? अरे जितना भी लीडर है तब खुश है. मैं एक एक बंदा को मैं स्टेज में चढ़ाऊंगा, बोलूंगा सर आपका इनकम बताओ, आपको कितना. जो बैठे हैं ना, तो आप लोग कितने, जो लोग खुश नहीं है, जिसको कहते हैं सर काम नहीं हो रहा है, वो खड़ा हो ना सर. अरे हॉल से निकलने के बाद तो ही बात आएगा. यस और नो? क्यों छुपा के बैठे हैं आप? यस और नो? हर दिन मैं टीम का साथ मिलता हूं, हर दिन ये बात सुनता हूं, नया कोई बात नहीं कर रहा हूं. आपका क्या प्रॉब्लम है? आपको ये बात कहना है जे सर काम नहीं हो रहा है. ये बात कभी भी नहीं करता है, मैं काम नहीं करता हूं, काम नहीं हो रहा है. नहीं होगा, बैठो. 100% नहीं होगा. क्यों? हम लोग लीडर बन चुका है. क्यों? हम लोग प्रबोधन करते हैं. ऐसे कहानी सुनाता हूं. एक इंसान था, धर्म में भी लोग प्रवचन करते हैं ना. मेरे बात सुन पा रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? एक इंसान बहुत अच्छा था, वो पढ़ाई किया, बहुत पढ़ाई करके बहुत अच्छा किस्म से वो प्रवचन करते थे. तो एक भक्त का घर में गया. क्यों? उसका घर में भी, उनका आजू बाजू में भी जितना भक्त है उनको प्रवचन देंगे. तो भक्त का घर में भगवान था. भगवान रहने से क्या है, सुबह में जितना भी बहुत सारे काम होता है, पूजा पाठ होता है, अन्निग होता है, सब करते रहते हैं ना. हेलो, यस और नो? करते हैं. तो सुबह में 11 बजे प्रवचन होने वाला था. तो उनका घर में जो मैडम थी, तो उनका पास चला गया, 10 बज रहे, जो प्रवचन देने आया है प्रभु जी रेडी हुआ कि नहीं हुआ. जब गया देख रहा है जो प्रभु जी सो रहा है. बोले प्रभु जी आप प्रवचन नहीं करेंगे? बोले हाँ प्रवचन तो मैं करूंगा, ये टॉपिक में बोलने वाला हूँ, मैं स्टडी करके आया हूँ. बोले अच्छा कितना बजे? तो मैं 11 बजे करूंगा. बोले वेरी गुड. तो आप पूजा पाठ नहीं करते क्या? भगवान को अन्निक करना, पूजा पाठ करना, मंत्र पाठ करना, ये नहीं करता है क्या? बोले ये छोटा काम नहीं करता हूं मैं, ये तो जो नया नया है वही करता है. आप लोगों को तो भगवान, आप लोगों को तो प्रवचन नहीं करना आता है ना, इसलिए आपको करना है. ये तो ये सब तो काम तो मेरा नहीं है. बोले वेरी गुड. तो प्रवचन बना दिया. प्रवचन 11 बज गया, वो आ गया, बहुत लोग आ गया, बहुत लोग जो उनका जो गेस्ट आया था उनको पहले खिला दिया. खिलाने के बाद बैठा दिया. जो गुरु था वो क्या कर रहा है? प्रवचन कर रहा है. उनको 11 बजे स्टार्ट किया, 12, 1, 2 बज गया, लेकिन उनका घर में जो मालिक है वो नहीं बोल रहा है जो गुरुदेव अभी बंद करो, अब भगवान का जो भोग है वो खाओ, ऐसे नहीं बोल रहा है. वो तो थक गया. थकने के बाद बोल रहा है अरे भाई क्या है, मैं तो मर जाऊंगा, अरे भोग टोक नहीं खिलाएंगे क्या? बोले गुरुदेव ये तो छोटा काम है, ये तो हम लोग भी नहीं करते हैं, ये भोग बनाना, मंदिर में भगवान को समर्पण करना, ये छोटा काम कौन करता है, ये हम लोग भी बंद कर दिया. समझ में आया? समझ में आया? तो ऐसे होता है, हमारा लीडर जब बन जाता है ना, ये टोटल जो छोटा छोटा काम है वो बंद कर देता है. अच्छा देखिए एक चीज, हम लोग कुछ लोगों को लेके आया था,
जो डिस्ट्रीब्यूटर नाम पे आया था, कुछ लोग काम कर रहा है, कुछ लोग काम नहीं कर रहा है। अच्छा कोई पेड़ में देखो, पेड़ पेड़ होता है ना, पेड़ में भी, पेड़ भी एक पेड़ होता है, साल में एक बार फल देता है। हेलो, प्रकृति में जाओ। अच्छा देखा है कोई पेड़ ऐसे है जिंदगी में एक बार फल दिया? हेलो, मेरा बात समझ में आ रहा है? कोई भी पेड़ है जैसे आम है, अपेल है ना, आम जिंदगी में एक बार फल देता है क्या? नो, साल में एक बार फल देता है। उनका काम है, उनका धर्म है। एक छोटा सा प्रकृति में जाओ, मनुष्य जो प्राणी है वो छोड़ो, छोड़ने के बाद एक प्राणी का नाम हम लोग नाम लेते हैं, सोचो बिल्ली है ना एक प्राणी। हेलो, जंगल में है शेर, हाथी है ना, ये सुनो, वो जिंदगी में एक बार बच्चा देते हैं क्या? जिंदगी में एक बार बच्चा देते हैं क्या? क्या कैसे देते हैं बच्चा? कैसे देते हैं बच्चे को? कैसे जन्म देते हैं बच्चे को? जन्म दिया, बड़ा किया, पाल पोस किया, उसको फ्रीडम जोन में चला भेज दिया, उसका बाद फ्री वो डांस करते करते नया बच्चा लेते हैं। यस और नो? अरे भाई मैं प्रकृति का बात कर रहा हूं, थोड़ी इंसान का, मनुष्य का बारे में बात कर रहा हूं। यस और नो? यस। इसको कहता है प्रॉपर डुप्लीकेशन, इसको कहता है प्रॉपर डुप्लीकेशन। ये बिजनेस में काम नहीं हो रहा है, मतलब हमारा डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। डुप्लीकेशन इज द मेन पावरफुल सिस्टम टू ग्रो आवर बिजनेस। कितना लोग है कंटिन्यूअसली डुप्लीकेशन कर रहा है, कंटिन्यूअसली डुप्लीकेशन कर रहा है, कंटिन्यूअसली डुप्लीकेशन कर रहा है। कितना साथी है, कितना साथी है कंटिन्यूअसली डुप्लीकेशन कर रहा है? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रकृति में फिर आ रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। आप नया डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करो, नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करने के बाद उनको तैयार भी करना है, उसको तैयार करना है। तैयार करने के बाद वो खड़ा हो जाता है, चलने लगता है, करने लगता है, उसका बाद फिर डुप्लीकेशन करो। मेरा बात समझ में आ रहा है? प्यारा प्यारा आ रहा है? हाँ है। जैसे कैसे डुप्लीकेशन करेंगे, ये मायरी चर्च का क्राउन में आने तक, क्राउन छोड़ो, कंटिन्यूअसली इनकम कितना जन है माई रिचार्ज में कमाना चाहता है, कितना जन है इनकम करना चाहते हैं, कितना जन है? वेरी गुड। जिंदगी भर जेनरेशन वाइज इनकम करना चाहते हैं, कितना जन है? जन दो रास्ता है, दो बात, दो शब्द कह दिया सर, एक इनकम करना और एक क्या है, कंटिन्यूअसली इनकम करना, दोनों में फर्क है ना? क्या है, एक बार एक बात है इनकम करना, वो आसान है, कर पाएंगे, लेकिन कंटिन्यूअसली इनकम करना वो थोड़ा सा ट्रिक सीखना है। समझ में आया? कितना जन है जो कंटिन्यूअसली मेरे, मैं ऐसे काम करे कंटिन्यूअसली इनकम आते रहे, आते रहे, आते रहे, आते रहे, क्लैपिंग करते 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 रहे। तो क्या है, मैं माई रिचार्ज में टुकड़ा करेंगे तो चार टुकड़ा मुझे मिलेगा, एक है क्यों करना है ये समझना है। ये हर इंसान इधर में जितना भी बैठे हैं वो साथी को समझ में आ गया क्यों करना है, है क्यों करना है, एक क्लियर है क्यों करना है, एक क्लियर है? भयंकर क्लैप करो, 1 2 1 2 3 1 2, चार में तो एक मिल गया। उसके बाद ये समझ में आया क्या, क्या करना है, क्यों करना है तो क्लियर है, क्या करना है, खुद को, खुद को क्या करना है ये पता है, क्या क्या करना है बताओ, लोगों को जोड़ना है, ठीक है, और अच्छा डुप्लीकेशन, हाँ क्या करना है खुद में, जो जो खुद कंट्रोल कर सकता हूं, खुद कर सकता हूं, क्या है वही बताते हैं। प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट अच्छा है तो यूजर बनाओ, प्लान प्रेजेंटेशन करो, नया डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करो, यस और नो? क्या करना है ए, 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 कितना जन, ड्रेस कोड भी ठीक रखना है, ऑनेस्ट होना है, पंक्चुअल होना है, ये छोटा छोटा क्वालिटी किसके अंदर में है। ड्रेस कोड कितना जन ठीक कर लिया है आज ये प्रोग्राम में, प्रॉपर ड्रेस कोड का साथ कितना जन आए हैं? जो लोग प्रॉपर ड्रेस कोड का साथ आए हैं खड़ा हो जाओ, देखो देखो देखो, क्यों करना है आपको क्लियर है, क्या करना में उसका भी एक पार्ट होता है ड्रेस कोड। देखो कितना जन अविश्वासी है, खुद में विश्वास नहीं करता है, ये सिस्टम में आप कामयाब बनेंगे, देखो ना सर।
ये आईना है, मिरर है, मैं जो बात कर रहा हूं ना मिरर का साथ मिला लो, है ना, समझ में आया? हेलो, प्रॉपर ड्रेस कोड का साथ बहुत लोग नहीं आए, क्यों बैठो? इसलिए नहीं आया, आपको विश्वास नहीं है आप ये सिस्टम में कामयाब बनेंगे। क्यों? माइरिचा सिस्टम फ्री में मिल गया। सोचो माइरिचा सिस्टम पाने के लिए 50 लाख डिपॉजिट करना पड़ता, और वही प्रोग्राम में अब आ रहा है, ऐसे टी शर्ट पहन के नहीं आने वाला है। यस और नो? फ्री में मिला ना, समझ में आ रहा है? हेलो, बदलना है सर। कितना जन है जो ड्रेस कोड नहीं बदला, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगे तो पहले तो ड्रेस कोड बदल दो। एक देखो बिजनेस में, बिजनेस छोड़ो, एक फूल जो होता है ना, फूल होता है ना सर, फूल का जन्म क्यों होता है? डुप्लीकेशन के लिए। वो क्या किसको अट्रैक्ट करता है? मधुमक्खी को अट्रैक्ट करता है। इसलिए क्या करते हैं, उनका जो पापड़ी है ना बहुत रंगीला करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मधुमक्खी को नहीं बुलाते हैं, आओ 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 ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, मधुमक्खी खुद आ जाते हैं, घूम 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 आ जाते हैं। ये सुनो, जिसको कलर नहीं होता है उसके सुगंध जो है, खुशबू जो है वो फैलता है, होता है ना। मैक्सिमम जो व्हाइट कलर का जो फ्लावर होता है ना वो सुगंधी होता है, खुशबू हलबली होती है। यस और नो? अट्रैक्ट करना पड़ता है। आप मैं जब वॉशरूम में गया, कुछ भाई साहब हमें मुझे साथ मिला, सर मैं बहुत लोगों को मैं बोलता हूं, वो बोलता है बाद में बताएंगे। इसीलिए आप जिनको बताया वही बंदा से जब मैं मिलूंगा बताऊंगा, वो बोलेंगे मैं अभी करूंगा। आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, अट्रैक्ट करो। आपको देखा है, आपका आस पड़ोस में, आप किसके पास जाएंगे? आस पड़ोस में जाएंगे। आपको आस पड़ोस ऐसे देख के आया है, वही नजर से देखा है, पहले आपको बदल दो। आपका चक प्रॉब्लम है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ड्रेस कोड बदल दो, वो लगेगा अरे ड्रेस कोड पहन। देखो जब आप अच्छा ड्रेस कोड पहन के निकलते हैं ना, आपको बैंक अकाउंट नहीं कोई चेक करता है, क्या नहीं चेक करता है, पहले बदल दो, लगेगा अरे ना तो कुछ कर रहा है होगा, कोई नौकरी लगा है, कोई अपॉर्चुनिटी मिला है, कोई लॉटरी से पैसे मिला है, क्या क्या है राज, क्या है? हेलो, बदल दो। आपका जो घर में रहते, जो पड़ा में रहते हो, मोहल्ला में रहते हो, बदल दो। सुबह में आपका दोस्त जो देखता है, सुबह में निकल जाओ, अच्छा ड्रेस पहन के थोड़ा सा बाहर में निकल जाओ, कुछ कर रहा है, बोले भैया पर अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। अट्रैक्ट करो, अट्रैक्ट करो, खुद को अट्रैक्ट करो। वो पूछे तुम्हारा राज क्या है। हेलो, हम लोग ठिका लेके बैठा है, मैं तुम्हारा जिंदगी बदलने के लिए आया है। इसीलिए लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम पहले बदल लो। समझ में आ रहा है? बदल दो। यस, मैं ड्रेस को बदल दिया, मैं माई रिचर्च का एक डायमंड क्लब होता है, एक महीना करने के बाद मैं ड्रेस कोड बदल दिया, डायमंड क्लब मेरा ड्रेस कोड बदल दिया। समझ में आया? तू अपना ड्रेस कोड बदलना चाहते हैं क्या? डायमंड क्लब कर, बदल जाएगा, मैं मदद करूंगा, वेरी सिंपल है। करना पड़ेगा, कोई नहीं करके देगा, ऐसे नहीं है डायमंड क्लब कर लिया, प्रोडक्ट खरीद कर लिया, अलमीरा में घुसा के रख लिया, ये मेरा डायमंड क्लब है, नहीं, यूटिलिटी नहीं है। समझ में आया? हेलो, समझ में आया? क्या है, खुद को बदल दो, कर पाएंगे? नेक्स्ट प्रोग्राम में कितना साथी प्रॉपर ड्रेस कोड का साथ आएंगे? प्रॉपर ड्रेस कोड मतलब मैं देख रहा था, कुछ हमारा भाई साहब जो है, मैं वॉच कर रहा था, कुछ हमारा भाई साहब जो है वो रॉयल्टी अचीवर बन के आया था, वो सूट पहना है लेकिन पाँव में जो है ना कैजुअल शूज है, वो बदलना है। हम लोग एक कमिटमेंट कर सकते सर, नेक्स्ट प्रोग्राम दिल्ली में कब करने वाला है आप? नवंबर। सर के लिए मैंने भयंकर दिल से क्लैपिंग करेंगे, ऐसे क्लैपिंग मत करो, दिल से क्लैपिंग करो। और कितना साथी है उसी दिन प्रॉपर ड्रेस कोड में आएंगे, हाथ हिला दो अपना जगह में बैठ के।